आगामी लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस फिर से पकड़ रही 2019 वाला ट्रैक। क्या नीतीश कुमार की बढ़ती लोकप्रियता से घबरा रही कांग्रेस? दरअसल कर्नाटक चुनाव परिणाम के बाद ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि कांग्रेस के तेवर अब बदले बदले नजर आएंगे। देखे तो लोगों का यह अनुमान सही साबित होता दिखाई दे रहा है। स्थिति यह है कि कुछ समय पहले तक कांग्रेस विपक्ष को एकजुट करने के लिए नीतीश कुमार के वैसाखी का सहारा ले रही थी, पर अचानक ही पार्टी को कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री की बढ़ती लोकप्रियता खटकने लगी। देखे तो जब कांग्रेस को ऐसा महसूस हो रहा था कि भाजपा को रोकने के लिए उनके द्वारा विपक्ष को एकजुट करना मुश्किल है, तो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने एक तरह से नीतीश कुमार को विपक्षी एकता के संयोजक की भूमिका दे दी। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री ने इस काम को बखूबी निभाया और देश के कई दलों को एकजुट होकर चुनाव लड़ने के लिए राजी भी कर लिया। इस दौरान बिहार में विपक्षी दलों की बैठक होने की चर्चा होने लगी। जाहिर सी बात है कि इससे देश की राजनीति में नीतीश कुमार दबदबा बढ़ता और संभव है कि वे विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री उम्मीदवार भी बन सकते थे। बस इसकी वजह से ही कांग्रेस सहित कई दलों के अंदर इस बैठक को लेकर उत्साह नहीं देखने को मिल रहा था। वैसे भी कांग्रेस पिछले लोकसभा चुनावों से ही राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाह रही है। ऐसे में 2019 लोकसभा चुनावों की तरह एक बार फिर विपक्षी एकता खतरे में नजर आने लगी है। लेकिन नीतीश कुमार ने भी कोई कच्ची गोटियां नहीं खेली है। वैसे भी उन्होंने जिस तरह से विपक्ष को एकजुट करने के लिए दिन रात एक कर दिया, ऐसे में इतने अथक परिश्रम पर वे पानी फिरते हुए नहीं देख सकते थे। इसीलिए उन्होंने इशारों में कांग्रेस को सख्त संदेश देकर अपनी मंशा साफ कर दी। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने कहा कि कांग्रेस और अन्य पार्टियों को 12 जून की तारीख से दिक्कत थी, इसीलिए मैंने बैठक टालने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि हमने कांग्रेस को भी कहा कि आप भी आपस में बात कर तय कर लीजिए, उसके बाद जो भी तारीख तय होगी उस दिन बैठक होगी। हालांकि नीतीश कुमार ने सभी पार्टियों से दो टूक शब्दों में कहा कि ऐसे सभी दल जो बैठक में भाग लेने के लिए सहमत हैं, उनके पार्टी प्रमुख ही शामिल होने चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई पार्टी कहती है कि बैठक में पार्टी प्रमुख की जगह कोई और नेता उनका प्रतिनिधित्व करेगा तो वह स्वीकार्य नहीं होगा। दरअसल ऐसी खबरें आ रही थी कि राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 12 जून को व्यस्त हैं, इसीलिए कांग्रेस की ओर से पार्टी की तरफ से कोई और नेता बैठक में भाग लेगा, पर नीतीश कुमार ने इससे साफ इनकार कर दिया। यानी कि नीतीश कुमार ने सख्त संदेश में कह दिया कि विपक्षी दलों की जब भी बैठक होगी उसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को मौजूद रहना होगा। वैसे भी पार्टी के बड़े नेताओं की मौजूदगी के बिना किसी भी बैठक का कोई खास महत्व नहीं है। देखे तो पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान भी विपक्ष कुछ इसी तरह से एकजुट नजर आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे सीट बंटवारे और प्रधानमंत्री फेस को लेकर मतभेद होना शुरू हो गया और विपक्षी एकता धराशायी हो गई। ऐसे में इस बार ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए नीतीश कुमार काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। हालांकि यह सभी को मालूम है कि बिहार के मुख्यमंत्री के आगे की राह आसान नहीं है, खासकर इनके राह में इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के रूप में नजर आ रही है। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार इस बाधा को किस तरह से पार करते हैं।